तो दोस्तों ये है हमारे पास में डिजिटल आयरन, जिसे हम शोल्डरिंग मशीन भी बोलते हैं, और यह है 80 वॉट की। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खासियत है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हमारी जो नॉर्मल शोल्डरिंग मशीन होती है 40 वॉट की, 50 वॉट की, उससे ज्यादा बढ़िया ये है। लेकिन जितनी बढ़िया है उतनी कीमत भी है इसकी, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। और क्या क्या खासियत है इसके अंदर वो अभी आप देख लीजिए। इस डब्बे के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं आता, आपको पीछे इसके फीचर्स और इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जब आप इसे खरीदेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो ही आप इसे खरीदिएगा, वरना फालतू पैसे वेस्ट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं या आपके अमेजोन एप्लीकेशन में जाके सर्च करके खरीद सकते हैं। चलिए डब्बे को रख देता हूँ मैं साइड में। तो ये है डिजिटल आयरन। इसके अंदर खासियत ये है कि आपको इसमें टेम्परेचर कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आपको कितना ज्यादा गर्म करना है, कितना कम गर्म करना है, वो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसका डेमो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये सामने के जो बिट है ये आप आराम से चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से खुल जाता है। ये देखिए, ये बिट आप अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के इसमें लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, आप इसकी ये जो हीटिंग कॉइल है ये भी आप आराम से चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये हीटिंग कॉइल का ऊपर का कैप निकल गया और ये है आपकी हीटिंग कॉइल। ये देखिए, ये कॉइल आप बड़े ही आराम से चेंज कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा खरीद के रखनी है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको आराम से कभी भी मिल जाएगी। और ये डीसी वोल्टेज की है, ये कॉइल भी डीसी वोल्टेज की है, इसीलिए इसके डिजिटल मीटर के पास में जो माइनस और प्लस का जो बटन दे रखा है उससे इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, हीटिंग का टेम्परेचर। और जैसा कि मैंने बताया कि ये डीसी वोल्टेज की है तो इसमें करंट लगने का भी खतरा नहीं है, तो आराम से आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे वापस लगा देता हूँ। तो ये मैंने इसे वापस लगा दिया, अब चलो मैं इसे चालू करके इसका डेमो दिखा लेता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये काला सा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे लगा देता हूँ प्लग में। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हैं कि 480 डिग्री सेल्सियस पे है ये, मतलब कि ये घॉट पे है, इतना गर्म हो सकता है। और यहाँ पे ये जो माइनस का बटन दे रखा है इसके ऊपर हम जैसे ही दबाते हैं तो ये देखिए इसका जो डिग्री सेल्सियस है वो कम होता जाएगा। ये देखिए, मैं जैसे जैसे कम करता हूँ वैसे 5% ये नीचे कम होता जाएगा और ये टोटल चला जाएगा 180 पे। ये देखिए 180 पे चला गया, 180 से नीचे नहीं आएगा, मतलब कि 180 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये नहीं जाता है और 480 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो ये इसका टेम्परेचर है, तो इसे हम टेम्परेचर सेट करते हैं कि कितना गर्म होना है ये। तो चलिए ये गर्म हो गया, अब मैं तो 180 टेम्परेचर पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसकी शोल्डरिंग वायर कितने जल्दी पिघलती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास में शोल्डरिंग वायर है, इस पर मैं इसे लगाता हूँ। ये देखिए कुछ धीरे धीरे निकल रही है, जल्दी नहीं निकल रही। अब मैं इसका टेम्परेचर 480 पे कर देता हूँ। तो इसका मैंने टेम्परेचर 480 कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखना, ये देखा धुआं निकलने लग गया, ज़्यादा गर्म होने लग गई। अब देखिए कितने जल्दी इसकी वायर पिघलती है। ये देखिए अब ये जल्दी गर्म होने लग गया, तो शोल्डरिंग वायर जो है फटाफट पिघल रही है। देखिए जल्दी से पिघलने लग गई शोल्डरिंग वायर। तो ये फर्क होता है 180 के टेम्परेचर पे और 480 के टेम्परेचर पे। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी पावरफुल है, जो मेरे पास में ये वाली है ना, ये है 80 वॉट की, इतनी मोटी के मोटी, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल है ये, क्योंकि ये जब गर्म होती है तो इसकी आगे की जो बिट है इतनी मोटी है और यही बिट मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसका भी जो है ये चेंज करना आसान है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट सर्किट का बहुत खतरा है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजली से चलती है, इसमें कोई डीसी वोल्टेज नहीं है। लेकिन इसमें डीसी वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, अगर ये वायर इसमें खराब हो गई या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी आपको आगे करंट नहीं लगेगा, करंट यहीं पे रुक जाएगा, इसकी वायर तक सीमित रह जाएगा करंट। तो ये इसके अंदर फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है, मतलब कि एक तरीके से ये आपका शॉक प्रूफ है, इसमें करंट लगने का बिल्कुल खतरा नहीं है। अब मेरे पास में कोई पीसीबी रिपेयरिंग के लिए नहीं है, वरना मैं आपको पीसीबी भी अच्छे से चेक करके दिखाता, लेकिन फिर भी मैंने इसे अच्छे से चेक किया, उसके बाद ही मैं आपको इसका डेमो दिखा रहा हूं। अब मैं बता देता हूं इसकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट आपको अमेज़न पे देखने को मिलेगी 900 से लेकर के 1000 रुपए तक। कभी-कभी इसकी कॉस्ट कम भी हो जाती है, कभी-कभी ज्यादा भी हो जाती है। अगर आप अमेज़न पे सर्च करके लेते हैं तो जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा होगी वही प्रोडक्ट लीजिएगा, क्योंकि उसके रिव्यू अच्छे होते हैं। और यह है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये है डिजिटल क्लैंप मीटर। इसके अंदर भी बहुत सारी खासियत है जो कि नॉर्मली आपको क्लैंप मीटर में नहीं मिलती है। वैसे इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये है HTC कंपनी का, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप AC फ्रिज का काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन हो तो आप यही क्लैंप मीटर लीजिए, क्योंकि ये क्लैंप मीटर में अभी आपको इसकी खूबियां दिखाने वाला हूँ डेमो के तौर पर।
जब आप ये क्लैंप मीटर खरीदेंगे तो आपको ये क्लैंप मीटर और साथ में आपको ये दो वायरें इसकी मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी खासियत है, जैसा कि एक तो आपने बैटरी इसमें देख ही लिया है, बाकी एसी और डीसी वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, बीप साउंड वाला भी और ऐसे किलो ओम्स वाला भी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे किलो ओम्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, माइक्रोफेरेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेल्सियस का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो ऑप्शन है NCV नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज, मतलब कि आपको किसी पर टच करने की जरूरत नहीं, आपको ये पहले ही बता देगा उसमें वोल्टेज है या नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। तो देखिए मैं इसमें इसे इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये वायरें पड़ी हुई है, इनमें कहीं पे भी देखिए कोई करंट नहीं है, कहीं पे भी कोई करंट नहीं है। जैसे ही मैं ये वाला स्विच चालू करता हूँ तो आप देखिए करंट देख रहे हो, साउंड कर रहा है ये। और इसकी रेंज इतनी अच्छी है कि अगर आप जैसे दूर लेके जाएंगे तब भी ये आपको वोल्टेज दिखाता रहेगा, ये देखिए दूर तक, मतलब कि 7-8 इंच का डिस्टेंस है वायर का और इसका, तब भी आपको जो है ये वोल्टेज दिखा रहा है कि यहाँ पे करंट है। और आप जैसे ही इसे बंद कर देंगे तो ये देखिए ये बीप साउंड बंद। तो ये वाला ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, एसी फ्रिज का काम करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत रफ एंड टफ है। इससे मुझे इस्तेमाल करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसका डेमो इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि कोई मल्टीमीटर के बारे में बताइए जो लॉन्ग टाइम तक चले और अच्छा चले, क्योंकि लोकल मल्टीमीटर 300-400 रुपए का हम लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे मल्टीमीटर का आपको डेमो बताऊं। और जब आप इसे कॉन्टिन्यूटी पे भी ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो टाइप की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। एक तो आपको वैल्यू वाली कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो इस बटन को दबा के, अभी इसको बटन को दबाने के बाद में आप वैल्यू चेक कर सकते हो और बीप साउंड वाली भी चेक कर सकते हो। इसको दबाने के बाद में आपको सिर्फ उसकी वैल्यू दिखाई देगी, किलो ओम्स की जो वैल्यू होती है वो आपको दिखाई देगी, लेकिन बटन दबाने के बाद में आपको बीप साउंड आएगी। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर लगाई, ये मैंने यहाँ पे रेड वायर लगाई और ये देखिए दोनों प्रोब को मैं लगाता हूँ, साउंड आ रहा है। और मैं बटन को दबाता हूँ तो देखिए ये चला गया। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर वगैरह सारी चीज़ों को आप इसमें आराम से चेक कर सकते हो। तो ये थे मेरे दोनों ही प्रोडक्ट, अगर आपको पसंद आते हैं तो लीजिए, आपके काम का है तो ही लीजिए, फालतू पैसे वेस्ट मत करिए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके लिए यूजफुल है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का एसी फ्रिज का काम करते हैं तो ही आपके लिए यूजफुल है। एसी फ्रिज वालों के लिए शोल्डरिंग मशीन इसलिए उपयोगी है, अगर आपको वो कनेक्टर वगैरह शोल्डरिंग करने हैं या कोई वायर शोल्डरिंग करनी है तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज है, आप बड़े ही आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे जितने भी टेक्नीशियन भाई है, मैं ये चाहता हूं कि उनका काम तुरंत हो, फटाफट हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी दूसरे कंप्लेंट को भी अपना पूरा कर सके। और टूल आपके होते ही उसी लिए है कि आप अपने काम को फटाफट कर सके टूल की मदद से, ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपको काम मिल सके। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और चैनल पर नया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसे क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की घंटी बजेगी। मैं आपसे क्या मांगता हूँ, यही 3 चीजें मांगता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।